करता हूं दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कारक के बारे में जानने वाले हैं। तो कारक के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी अगर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो यहाँ पर कारक का जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कारक क्या होता है। तो कारक का परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध होने का पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों यानी कि क्रिया के साथ, ठीक है, उनका संबंध होने का पता चले, किस तरीके से उनका संबंध है। जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों के परिवार में अलग अलग संबंध होते हैं, किसी का दादा लगता है कोई, तो किसी का मामा लगता है, तो किसी का कोई माँ लगती है, तो किसी का कोई बेटी लगती है, उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों संज्ञा सर्वनाम और क्रिया का भी कुछ संबंध होता है। ठीक है, उसी संबंध को हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में कारक में। ठीक है, तो चलिए दूसरी अगर भाषा में अगर बात की जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया के साथ संबंध सूचित हो या, ठीक है, या पता चले उसको हम लोग कारक कह देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने तीन चीज़ों को लिखा है। पहले मैंने कारक लिखा, जो कारक के जो अभेद हैं वो आठ भेद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और दोस्तों उसकी विभक्ति है यानी कि इसको हम लोग कारक चिन्ह भी कह देते हैं। ठीक है, आप इसको बुक में देखेंगे, किसी किसी बुक में आपको दोस्तों कारक चिन्ह भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये कारक चिन्ह है जिसको हम लोग विभक्ति से मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। और दोस्तों यहाँ पर मैंने एक लक्षण जो अपने से यहाँ पर लिख दिया है आपको समझा के लिए। तो विभक्ति यानी कि जैसे कर्ता, कर्ता का मतलब क्या होता है, वाक्य में मैं अगर किसी भी चीज को लिखूं, जैसे मैं लिख देता हूं राम ने, ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जांपल के लिए लिख दिया राम ने सीता को बचाया। ठीक है, राम ने सीता को बचाया। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग शब्दों का, अलग अलग जितने भी यहाँ पर पद हैं, शब्द हैं, उनका एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे राम ने, ठीक है, राम का यहाँ पर कनेक्शन किससे है, सीता से है, और चूँकि बचाया भी है तो सीता का भी राम से हो गया, राम ने। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्ता है, ठीक है, यहाँ पर जो कर्ता है वो दोस्तों यहाँ पर राम है। ठीक है, देख सकते हैं, और यहाँ पर जो कर्म है वो सीता है। तो यहाँ पर एक दूसरे में संबंध है। जितने भी दोस्तों वाक्य हैं, शब्दों के जो सार्थक मिल से वाक्य बनते हैं, उनमें जो शब्द हैं वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उन्हीं संबंध को हम लोग देखने वाले हैं। उसी संबंध को यहाँ पर दोस्तों आठ भागों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो कारक हैं वो दोस्तों आठ प्रकार के हैं, और आठ कारक हुए तो उसको आठ विभक्तियाँ भी होंगी, और उसके बाद उसके आठों लक्षणों को भी हम लोग जानेंगे और एक एक करके जानेंगे कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और उसका वाक्य में प्रयोग भी देखेंगे। तो अगर आप सिर्फ कारक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसको देखने के बाद वीडियो को एंड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए जानते हैं कि जो कर्ता जो होता है यानी कि जो सब्जेक्ट होता है हम लोगों को, कर्ता यानी कि जो काम करे उसको दोस्तों हम लोग क्या कह देते हैं, कर्ता कह देते हैं। ठीक है, कर्ता के लिए यहाँ पर दोस्तों जो विभक्ति चिन्ह जो यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, यूज होता है दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब है कि विलुप्त, यहाँ पर जो मैंने शून्य लिख दिया इसका मतलब है कि कभी कभी कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं भी होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, राम रोटी खाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर विलुप्त है और यहाँ पर विभक्ति के साथ यहाँ पर मैंने शून्य इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर विलुप्ति हो रही है। ठीक है, लेकिन और वीडियो में आपको ये चीज शायद ना बताया जाए, लेकिन मैंने काफी रिसर्च करके ये देखा कि कई सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। जिस तरीके से एक वाक्य है राम रोटी खाता है, तो दोस्तों राम के बाद तो ने आना चाहिए था क्योंकि कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, ने है, लेकिन यहाँ पर ने का अभाव है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर शून्य लिखा। उसके बाद आइए कर्म की बात करते हैं। तो कर्म का मतलब क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी कि कोई भी काम हो तो उसका जो रिजल्ट है वो किस पर आएगा, इस पर, कर्म पर आएगा, उसको हम लोग कर्म कहेंगे। ठीक है, इसमें भी दोस्तों शून्य होता है और को होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है करण। तो आखिर करण हम लोग किसे कहते हैं, क्रिया के साधन को। जैसे मान लीजिए मैंने राम को डंडे से मारा या डंडे द्वारा मारा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो विभक्ति है वो दोस्तों से और द्वारा ही है। उसके बाद आइए यहाँ पर देखते हैं संप्रदान। संप्रदान मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, जैसे देखते हैं को के लिए इसका विभक्ति चिन्ह, इसको हम लोग अभी कुछ देर बाद देखेंगे कि कैसे इसका वाक्य में प्रयोग होता है। उसके बाद है दोस्तों अपदान।
अपादान। अपादान कारक में दोस्तों से का इस्तेमाल होता है विभक्ति का, ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे मान लो पेड़ से पत्ते गिर गए, ठीक है, कुएं से पानी सूख गए, तो चीज यहाँ पर अलग हो रही है, ठीक है, इसके लिए हम लोग से का इस्तेमाल करेंगे। संबंध, ठीक है, जो दो शब्दों का संबंध जोड़े, ठीक है, उसके लिए हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं, या फिर का, की, के, ना, नी, रे, रे, ठीक है, री, रे, इसमें प्रत्यय लगाकर जो शब्द के लास्ट में जो जुड़े हुए होते हैं का, की, के, जो भी, उसके लिए हम लोग संबंध कारक के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अधिकरण कारक में, हम लोग जो क्रिया का आधार हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग ने या फिर पर, जैसे मान लिया टेबल पर चॉकलेट रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आधार था इसके लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, मे या फिर पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों संबोधन किसे कहेंगे, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे राम, हो सीता कहाँ हो, अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है, अजी सुनिए ना, यहाँ पर जितने भी मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को लिया है इसको संबोधित करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कारकों को हम लोगों ने देख लिया, विभक्तियों को देख लिया, लक्षण के बारे में भी देख लिया। अब चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर जो कर्म क्या होता है और इसका वाक्य में प्रयोग क्या है और कर्ता, ये सब मतलब जितने आठों हैं सारे के हम लोग वाक्य प्रयोग देखेंगे और इसके परिभाषा भी देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में यहाँ पर परिभाषा और इसके वाक्य प्रयोग कर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कर्ता कारक क्या होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है आसान शब्दों में ताकि आपको समझ आ जाए, जैसे काम करने वाले को ही हम लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो काम करता है उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह जिसको कहते हैं, वो है दोस्तों शून्य या फिर ने। जैसे राम ने, कर्ता का इस्तेमाल कहीं पर भी होगा तो उसमें ने जरूर आएगा या फिर कभी कभी शून्य भी रहता है। अभी मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रहा हूँ, राम ने रोटी खाई, तो ये जो ने आया दोस्तों ये यहां पर विभक्ति चिन्ह। उसी तरीके से मोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये देख सकते हैं यहां भी नहीं आया। श्याम पुस्तक पढ़ता है, अरे यहां पर तो नहीं आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर छुपा हुआ है। देखिए श्याम ने पुस्तक, यहाँ पर अगर लिख देता मैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ने दोस्तों छुपा हुआ है, श्याम पुस्तक पढ़ता है मैं, यहाँ पर ने छुपी हुई है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है, चूँकि यहाँ पर छुपी हुई है। कभी कदार ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कर्ता और फिर कर्म कारक में ही होता है, बाकी छयों में नहीं। उसके बाद आइए कर्म कारक के बारे में जानिए, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो शून्य है और फिर को है, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। क्रिया का प्रभाव, मैंने यहाँ पर प्रभाव लिखना भूल गया, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जैसे माली ने पौधे को सींचा, ठीक है, तो यहाँ पर आखिर देखिए क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पर पड़ रहा है, पौधे पर ना, माली ने सींचा आखिर किसको, तो पौधे को, तो ये देख सकते हैं इसका विभक्ति यहाँ पर भी है वो क्या है, को है या फिर शून्य। उसी तरह से सुधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सुधा पत्र को लिखती है ना, क्योंकि प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर, लेकिन यहाँ पर को दोस्तों छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर को यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, यानी कि छुपा हुआ है। उसके बाद आइए मजदूरों को रुपए मिल गए, तो आखिर देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव किसे पड़ रहा है, मजदूरों पर, यहाँ पर मजदूर के बाद ये जो को इस्तेमाल किया गया है इसको हम लोग क्या कह देंगे, कर्म कारक कह देंगे, क्योंकि ये मजदूरों को रुपए मिल गए। उसके बाद ये जान लेते हैं कर्म कारक क्या होते हैं, तो काम करने के साधन को हम लोग दोस्तों कर्म कारक कहते हैं। काम करने के साधन को, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, देख सकते हैं यहां पर जो कर्म कारक का जो यहां पर विभक्ति है या फिर कारक चिन्ह है वो है से और फिर द्वारा, ठीक है, तो मैं कलम से लिखता हूँ, ये जो से है दोस्तों ये यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। उसके बाद रुपए से सामान मिलता है, यहाँ पर वाला ये जो से है जो इस्तेमाल हुआ वाक्य में वो यहाँ पर क्या है, करण कारक है। यहाँ पर मैं भी लिख सकता हूँ कि मैं कलम द्वारा लिखता हूँ, दोनों बात सेम है, दोनों बराबर है। उसके बाद धोती पीले रंग से, ठीक है, पीले रंग द्वारा या फिर पीले रंग से रंगी हुई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताया कि जो विभक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर वाक्यों में ये किस तरीके से हो रहा है। अब आइए जानते हैं संप्रदान कारक को, जिसके लिए काम किया जाए संप्रदान कारक है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं को भी हो सकता है, के लिए भी हो सकता है, ठीक है ना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा प्यासे को पानी दो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ को था, यहाँ पर को है, के लिए है, और भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, जैसे प्यासे को, तो देख सकते हैं जिसके लिए काम किया जाए प्यासे को पानी दो, पानी देने की बात किसे कही जा रही है, प्यासे को, ठीक है, तो यहाँ पर को जो है ये विभक्ति चिन्ह हो जाएगा संप्रदान कारक का। उसके बाद मेरे लिए पिताजी आम लेकर आए, तो देख सकते हैं जिसके लिए काम किया जाए, यानी कि मेरे लिए काम हुआ ना, मेरे पिताजी ने किसके लिए आम लाया, मेरे लिए लाया, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो मेरे लिए है ना,
ये जो हो गए क्या हो गए, संप्रदान कारक हो गए। उसके लिए संकट के लिए तैयार रहो। तो देख सकते हैं ये जो के लिए है ना दोस्तों, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। मैंने यहाँ पर तीन तीन आपको वाक्यों के द्वारा यहाँ पर बताया कि यहाँ पर किस तरीके से हम लोग विभक्तियों का यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, ठीक है। कर्म कारक में कौन से विभक्ति होते हैं, संप्रदान में कौन से कर्म, और फिर कर्ता में कौन से होते हैं। भाई ये जान लेते हैं बचे हुए कुछ कारक को, भाई ये बाकी बचे यहाँ पर कारक को देख लेते हैं, जो यहाँ पर अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकार कारक और यहाँ पर संबोधन कारक है। तो चलिए अपादान कारक के बारे में जानते हैं, जिसका विभक्ति यहाँ पर से है। तो जिससे अलगाव का बोध हो उससे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जिससे अलगाव का बोध हो उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। अलगाव का मतलब है कि दो चीज है जो एक दूसरे से अलग हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो छात्र वर्ग से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो से है दोस्तों, ये से का काम क्या है कि दो यहाँ पर जो छात्र हैं और वर्ग है दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही है। उसी के बाद पेड़ से फल टपके, तो दोस्तों यहाँ पर जो से का जो वर्क क्या है, काम क्या है कि पेड़ से जो फल है वो टपक रहा है। उसके बाद है बंदूक से गोली छूटी, तो गोली छूटने का मतलब यहाँ पर जो से का काम क्या है कि बंदूक तो यहीं पे है लेकिन जो गोली है वो उससे दूर चली गई, दूर हो गई, जुदा हो गई। तो यहाँ पर से का जो काम क्या है, अपादान कारक का किसी भी अलगाव का यहाँ पर बोध कराता है। अब चलिए संबंध कारक को जानते हैं। तो संबंध कारक क्या जो विभक्ति यहाँ पर के है और बहुत सारे की का के नानी रे रिप यहाँ पर प्रत्यय वाले शब्द है। यह संबंध बताने वाले को यहाँ पर किसके संबंध, संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध बताता है क्रिया से, उसको हम लोग संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। जैसे राम की बेटी हुई है, तो यहाँ पर ये जो की का क्या के की जो यहाँ पर ऐसा एक यहाँ पर विभक्ति है जो बता रहा है कि राम और उसकी बेटी में क्या संबंध है, ठीक है, क्योंकि उसकी बेटी है। तो यहाँ पर की जो है वो बता रहा है। उसके बाद वह मेरे साथ रहता है, तो यहाँ पर मेरे साथ का मतलब क्या, ये जो मेरे ये जो साथ ये जो यहाँ पर शब्द है यहाँ पर मेरे और साथ ये यहाँ पर संबंध बता रहा है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था रे री, तो यहाँ पर देख सकते हैं रे प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, मेरे साथ। उसके बाद आइए देखते हैं वह अपने घर गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने, यानी कि यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है अपने, चूंकि यहाँ पर ने लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं अधिकरण कारक के बारे में। तो आधार बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे टेबल पर पुस्तक रखा है, तो किस पर पुस्तक रखा है, टेबल पर पुस्तक रखा है, ठीक है। दरवाजे पर कुत्ता है, तो ये देख सकते हैं कुत्ता है यानी कि दरवाजे पर, और इसके लिए हम लोग में या फिर पर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कुएं में मेढक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने आधार को बताने के लिए में का इस्तेमाल किया, कुएं में पानी है, कुएं में मेढक है, उसी तरह। अब चलिए जान लेते हैं संबोधन कारक, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करना पाया जाए, जैसा कि विस्मयादि बोधक में होता है, लेकिन वहाँ पर जो हे और अरे जो शब्द है, यहाँ पर हे हो अरे अजी आदि ये सब जितने भी संबोधित करने वाले शब्द हैं उसको हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में। और यहाँ पर जो कारक का यहाँ पर जो मैंने आपको सिंपलेस्ट सरल भाषा में जो बताया कि आखिरकार कारक क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके जितने भी यहाँ पर प्रकार हैं उसके यहाँ पर प्रकार के क्या क्या परिभाषा होते हैं और वाक्य में किस प्रकार से इसके प्रयोग हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जितनी बात मैं आपको बताया हूँ आपको सारी बात अच्छे समझ आ गई होगी। और दोस्तों अगर आप पार्ट टू अगर देखना चाहते हैं, अभी भी कारक चैप्टर में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो। और इसके बाद अगर आपको पार्ट टू चाहिए तो आप मुझे कमेंट जाकर जरूर करें।